जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जोन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग श्लोक 21। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्नाः गतागतम् कामकामालभन्ते। ॐ गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सबका राज विद्या राजगुह्य योग कई शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन, जे लोग स्वर्गीय सुख के इच्छा रखत हैं, वे वेदों में वर्णित यज्ञों के माध्यम से हमार पूजा करत हैं और विशाल स्वर्ग में जात हैं। वहाँ वे सुख सुविधा के अनुभव करत हैं और जब उनके किया हुआ पुण्य समाप्त हो जात है तो वे इस धरती पे वापस आए जात हैं। इस प्रकार जे लोग केवल 3 वेदों में वर्णित काम कर्म या परिणाम उन्मुख कर्म करत हैं, जन केवल स्वर्गीय फल की इच्छा रखत हैं, वे उन अनित्य फलों के आनंद लेत हैं और फिर से इस पृथ्वी पे आवत हैं और जन्म और मृत्यु के इस चक्र में घूमत रहत हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा हमका स्पष्ट रूप से बतावता हैं कि जे लोग शाश्वत और ब्रह्मानंद के अवतार की इच्छा करे के बजाय अस्थायी स्वर्गीय फल के खोज करत हैं, वे जन्म और मृत्यु के चक्र में भटकत रहत हैं। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं पर ध्यान करते हुए जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पावे के लिए और श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण के खोज और समर्पण करते हुए आओ हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों का श्लोक के रूप में यथावत दोहरावे के प्रयास करें। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामालभन्ते। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। श्रीमद् भगवत गीता के पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहें, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करो। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहें, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय असफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमार तीसरा वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमार चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमार पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन
मामेकं शरणं व्रज, अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आपे शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे मां शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवद गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है, हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है, जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतेन हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पचावे के प्रयत्न करब। अभय हम परमात्मा से अपन आठ वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कहे हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए हैं वैसा ही व्यवहार करब, और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्नाः गतागतम् कामकामा लभन्ते। ॐ ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। जय श्रीमन्नारायण। सभय भक्तन से विशेष अनुरोध, हमारे जीवन में सारी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। यही की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण आश्रम पढ़ें। नारायण आश्रम प्राप्त करने के खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट www.narayanashram.org पे जाए के पंजीकरण में अपन नाम और ईमेल दें। आपकी ईमेल पे आपको एक नारायण आश्रम PDF तुरंत मिल जाए। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम बा, तीनों का एक साथ नारायण आश्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के इन श्लोकों के भिन्न भिन्न संयोजन प्राप्त होते हैं। जब सब 24,000 भक्तन के साथ प्रतिदिन अपने नारायण आश्रम का पढ़त हैं या सुनत हैं, तो संपूर्ण रामायण पारायण का एक माला, श्रीमद् भागवत गीता पारायण के 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत पारायण के 24 माला प्रतिदिन पूरी होत। एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करे से निकलत। एक के लिए आप और आपके परिवार वाले तुरंत जाके अपन नारायण आश्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।